हे गाइस, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं अनरेड विकास और स्वागत करता हूं आपके चैनल एवी स्टूडियो के अंदर। आज का प्लॉट साइज देखेंगे दोस्तों। आज का प्लॉट साइज है 14x30 मीटर का, 420 स्क्वायर मीटर का आज का हमारा फ्लोर प्लान है, जिसके अंदर हमने आपको स्टील प्लस चार फ्लोर के साथ बिल्डर फ्लोर प्लान दिखाएंगे। एस्टिमेटेड इसकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट 1.5 CR है फॉर द 5 फ्लोर। स्टील फ्लोर पे पार्किंग प्लस आपके चार फ्लोर जो है वो टिपिकल रहेंगे। फिट में देखेंगे तो 40 फिट बाय 98 फिट, 6 इंचेस का आपका ये प्लॉट साइज रहेगा। 500 गज का हमारा ये प्लॉट साइज है, नॉर्थ फेसिंग है एज पर वास्तु है। सो प्लान को अंत तक देखिएगा। आइए इसके की फीचर्स देख लें। स्टील प्लस 4 फ्लोर सिस्टम्स रहेगा, ड्राइंग रूम, डाइनिंग रूम, किचन, 3 बेडरूम्स, लॉन्च, 3 टॉयलेट्स विद ड्रेसिंग, पार्किंग स्पेस, स्टील स्टेयरकेस एंड लिफ्ट, लॉबी, प्रॉपर लाइट एंड वेंटिलेशन। सो गाइज, ये हमारे की फीचर्स हैं इस प्लान के। एंड ये एलिवेशन है, रेफरेंस के लिए हमने आपको रेफरेंस के लिए दिखाया है फ्रॉम द नेट इंटरनेट। चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें, सो दैट हमारी कोई भी नई वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सके। आइए प्लान की तरफ चलेंगे। सो गाइस, ये हमारा प्लान है। सबसे पहले आप देखेंगे डायमेंशन, विड्थ देखेंगे प्लॉट की 46 फिट है, लेंथ देखेंगे 98 फिट, 4.5 इंच, 98.5 फिट है। नॉर्थ फेसिंग है, फ्रंट साइड जो है ओनली रोड है, बाकी इधर तीनों साइड इधर प्रॉपर्टीज है, यहाँ पे नॉर्थ है। सो एज पर वास्तु प्लान है। सबसे पहले आप देखेंगे स्टेयरकेस एंड लिफ्ट, लॉबी। तो ये देखिए गाइस, ये आपकी स्टेयरकेस एंड लिफ्ट लॉबी है। यहाँ से आप अप चलेंगे फ्रॉम द स्टील फ्लोर। इस फ्लोर की बात करें तो यहाँ से आप चलेंगे अपने सेकंड फ्लोर पे, यहाँ से आप चलेंगे अपने डाउन स्टील फ्लोर के लिए। 3.5 फीट इसकी विड्थ रहेगी, 10 इंच इसका ट्रेड रहेगा एंड 6.5 इंच इसका राइजर रहेगा। इस तरीके से आप अब चलेंगे आगे देखेंगे। आपका पैसेज रहेगा स्टेयरकेस और लिफ्ट लॉबी के बीच में, जो पैसेज है घर के एंट्रेंस के लिए। लिफ्ट देखेंगे 5.5 फीट के आपका लिफ्ट का स्पेस रहेगा, जिसके अंदर आप आराम से 5 पैसेंजर ट्रेवल कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे हमने शू रैक दिखाया है। यहाँ से मेन एंट्री रहेगी दोस्तों, 4 फिट की मेन एंट्री है, 2-2 फिट के आपके 2 पल्ले रहेंगे, इससे आप मेन एंट्री में अपने घर के अंदर एंट्री कर रहे हैं। एंट्री करेंगे आप डायरेक्ट अपने ड्राइंग रूम के अंदर। साइज रहेगा लॉबी है, जो हमने ड्राइंग रूम कम आपका डाइनिंग स्पेस में यूटिलाइज किया है। स्पेस रहेगा 19 फिट बाय 21 फिट, विड्थ जो है वो 19 फिट रहेगी इसकी, लेंथ है 21 फिट। एंट्री करेंगे इस तरीके से, आपको सामने की तरफ सोफा सेटिंग मिलेगी इस तरीके से एल शेप में। सोफा लगाकर दोनों तरफ आप यहाँ पे प्लांटर लगाकर दो दो यहाँ पर आप अपने सोफा रख सकते हैं। सेंटर में आप टेबल रखेंगे। नीचे आप देखेंगे हमने लो हाइट पार्टीशन करते हुए, कैबिनेट बनाते हुए पार्टीशन किया है, जहाँ पर आप अपनी एलसीडी पैनल लगा सकते हैं। फ्रंट में देखेंगे लिफ्ट लिफ्ट लॉबी के अंदर हमने आपको विंडो दी है, एज पर योर रिक्वायरमेंट आप इसको बंद कर सकते हैं। लो हाइट इस वॉल पे हमने आपको कैबिनेट प्रोवाइड की है, सो एज पर इंटीरियर आपको ये प्लान काफी अच्छा लगेगा। नीचे देखते हैं दोस्तों, नीचे आपका किचन एंड डाइनिंग स्पेस है, जो काफी अच्छी तरीके से हमने वेल प्लान किया है। यहाँ से आप एंट्री करेंगे अपने डाइनिंग स्पेस के अंदर। साइज रहेगा 17 फिट 3 इंच बाय 21 फिट 10 इंच, लगभग 22 फिट लंबा आपका स्पेस है, जहाँ पर आप एज एन डाइनिंग स्पेस यूज करेंगे। इस तरीके से 8 सीटर आप अपनी डाइनिंग रखेंगे। लेफ्ट वॉल पे आप देखेंगे हमने डाइनिंग कैबिनेट निकाली है, यहाँ पर आप चाहें तो अपनी शोकेस वगैरह चीजें रख सकते हैं। किचन में एंट्री करेंगे दोस्तों, साइज रहेगा 13.5 बाय 18 फिट 3 इंच। इस तरीके से सी टाइप में हमने सिटिंग रखी है। फ्रंट साइड में आप देखेंगे हमने यहाँ पे आपका गैस स्टोव रखा है। पीछे ये स्पेस देखेंगे हमने अलग पार्टीशन निकाला है, बीच में 3 फिट का पार्टीशन रहेगा, स्पेस रहेगा। यहाँ पे आपका वॉश बेसिन रहेगा, सिंक रहेगा, साथ में आपके पास ये यूनिट्स रहेंगे रखने को। ये स्पेस हमने एज पर योर रेफ्रिजरेटर के लिए हमने स्पेस सेग्रीगेट किया है। एंट्री पे देखेंगे हमने आपके लिए डाइनिंग काउंटर निकाला है, दोनों तरफ आप यहाँ पर स्पेस निकालकर सेटिंग रखते हुए एज पर डाइनिंग या फिर वर्किंग एरिया के तौर पर इसको यूज कर सकते हैं सेटिंग के साथ साथ। साइज देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे हमने आपको गेस्ट बेडरूम दिया है। साइज रहेगा 12 फिट 9 इंच बाय 16 फिट 6 इंच, सो लगभग 13 बाय 16.5 फिट का आपका बेडरूम है, जो एज पर हम गेस्ट बेडरूम के लिए यूज करेंगे। 3 फिट का आपका 3 फिट 3 इंच का आपका दरवाजा रहेगा, जिससे आप एंट्री करेंगे। यहाँ पर आपका बेडिंग स्पेस रहेगा, सामने एलसीडी पैनल लगाने का स्पेस रहेगा। यहाँ पर आप चाहें तो अपना वर्क स्टेशन वगैरह रख सकते हैं, साथ में आप यहाँ पर अपना सोफा रखेंगे। नीचे देखेंगे हमने स्लाइडिंग पैनल्स दिए हैं बैल्कनी के साथ। बैल्कनी में एक्सेस के लिए 5 फिट 9 इंच वाइड आपकी बैल्कनी रहेगी, यहाँ से आप एक्सेस करेंगे। डाइनिंग से भी आप एक्सेस करेंगे स्लाइडिंग पैनल्स के साथ। 2 फिट का हमने फ्रंट फसाड में आपका टक दिया है, सो दैट किचन जो है हमने पीछे रखी है 2 फिट, सो दैट एलिवेशन पर्पज कुछ अच्छा निकल सके। सो यहाँ पर आप देखेंगे तो 7 फिट 9 इंच वाइड आपकी बैल्कनी रहेगी।
इस बेडरूम में आप देखेंगे यहाँ पे आपके पास ओपनिंग रहेगी, ओपनिंग से आप एंट्री करेंगे ड्रेसिंग के अंदर 6 फीट 6 इंच में लगभग 10 फीट का आपका स्पेस रहेगा जो आप एज ए ड्रेसिंग यूज करेंगे। 10 फीट की आपकी अलमीरा रहेगी, यहाँ पर आप ड्रेसिंग स्पेस रखेंगे। यहाँ से आप टॉयलेट में एंट्री करेंगे, टॉयलेट का साइज देखेंगे 8.5 बाय 11.5 फीट का आपका स्पेस रहेगा। दो दरवाजे रहेंगे दोस्तों, एक ड्रेसिंग के अंदर है, एक आपका ड्राइंग रूम से कनेक्टिविटी रहेगी इसकी। सो ड्राइंग रूम में कोई आदमी रहेगा उसको अगर टॉयलेट यूज करने की रिक्वायरमेंट है तो यहाँ से वो WC ये आपका वॉश बेसिन रहेगा, इसको यूज कर सकता है। पीछे की तरफ आप देखेंगे तो हमने यहाँ पे आपका बेडिंग काउंटर निकाला है, 3.5 फीट का आपका ये बेडिंग स्पेस रहेगा अलग से। ये ओपन स्पेस रहेगा दोस्तों, शाफ्ट के तौर पे इसको यूज करेंगे, 4.5 बाय 6.5 फीट का ओपन टू स्काई स्पेस रहेगा, प्रॉपर लाइट एंड वेंटिलेशन रहेगी यहाँ से टॉयलेट के अंदर। ये आपका पूरा वॉश बेसिन रहेगा पूरी वॉल पे। नीचे देखेंगे तो डाइनिंग एरिया से आप एक्सेस करेंगे अपने पूजा रूम के अंदर, लगभग 6 फीट बाय 5 फीट का आपका पूजा स्पेस रहेगा। तो आगे की तरफ चलते हैं दोस्तों, पीछे आपके देखेंगे हमने दो बेडरूम दिए हैं। ये आपका मास्टर बेडरूम रहेगा दोस्तों, यहाँ से आप एक्सेस करेंगे अपने मास्टर बेडरूम में, साइज रहेगा 17 फीट बाय 13.6 इंच। इस तरीके से हमने बेडिंग रखी है, सामने आप चाहे तो यहाँ पे टीवी पैनल लगाएंगे, साथ में वर्क स्टेशन रख सकते हैं। इस तरीके से हमने यहाँ पे सोफा सेटिंग रखी है। पीछे आप देखेंगे बैल्कनी रहेगी 5 फीट 9 इंच वाइड जो कि आप स्लाइडिंग पैनल्स के थ्रू एक्सेस करेंगे। अटैच ड्रेसिंग कम टॉयलेट दिया है इसको हमने, यहाँ से आप एक्सेस करेंगे अपने ड्रेसिंग स्पेस के अंदर, साइज रहेगा 10 फीट बाय 6.5 फीट। इस वॉल पे हमने पूरी वॉल पे वार्डरोब रखी है, सीलिंग हाइट तक आप इसकी वार्डरोब रखेंगे। यहाँ पे आपका ड्रेसिंग स्पेस रहेगा, 2.5 फीट का दरवाजा रहेगा जिससे आप टॉयलेट में एंट्री करेंगे। टॉयलेट का साइज रहेगा 10 फीट, वेथ है 6.5 फीट इसकी लेंथ रहेगी 10 फीट बाय 6.5 फीट का आपका स्पेस रहेगा। लेआउट की बात करें तो एंट्री करके आपको वॉश WC रहेगी, सामने आप देखेंगे यहाँ पे आपका वॉश बेसिन रहेगा एंड ये सेग्रीगेटेड स्पेस रहेगा जो कि ग्लास से पार्टीशन रहेगा। आपका बेडिंग स्पेस 3.5 फीट का आपका मिनिमम स्पेस रहना चाहिए, बेडिंग स्पेस जो रहता है। तो ये हमारा मास्टर बेडरूम का स्पेस था, लेआउट था, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। वुडन पार्टीशन के थ्रू आप एक्सेस करेंगे अपने सेकंड बेडरूम में, साइज रहेगा 15 फीट 8 इंच बाय 13.5 फीट। इस तरीके से यहाँ पे बेडिंग रखेंगे, सामने LCD पैनल रहेगा, चाहे तो यहाँ पे आप अपना कैबिनेट भी रख अपना वर्क स्टेशन भी लगा सकते हैं। सामने की तरफ आप यहाँ पे अपनी सोफा सेटिंग रख सकते हैं। एक्सेस के लिए बैल्कनी में स्लाइडिंग पैनल्स आप यूज करेंगे। नीचे आप देखेंगे हमने ड्रेसिंग कम टॉयलेट दिया है इसको, एंट्री करेंगे आर्च के थ्रू, ओपनिंग के थ्रू एंट्री करेंगे। 6 फीट बाय 9.5 फीट का आपका वार्डरोब रहेगा, ड्रेसिंग एरिया रहेगा, ये पूरी वॉल पे आपका वार्डरोब है, 9.5 फीट की आपकी वार्डरोब रहेंगी। यहाँ पे आपका ड्रेसिंग स्पेस रहेगा, यहाँ पे आप सेटिंग रख सकते हैं। साथ ही इसे आप एक्सेस करेंगे अपने टॉयलेट स्पेस में, टॉयलेट स्पेस का साइज रहेगा 6.5 बाय 9.5 फीट का। लेआउट की बात करें तो एंट्री करेंगे, एंट्री करके आपको यहाँ पे वॉश WC रहेगी, सामने की तरफ आप देखेंगे यहाँ पे वॉश बेसिन है, नीचे आप देखेंगे 3.5 फीट का आपका ये सेग्रीगेटेड बेडिंग स्पेस रहेगा। वेंटिलेशन के लिए जो ओपन टू स्काई हमारी शाफ्ट है, यहाँ से आप इसको ओपनिंग देंगे सो दैट इस टॉयलेट की वेंटिलेशन हो सके। चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें सो दैट हमारी कोई भी नई वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सके। कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं प्लान कैसा लगा। आपकी कोई रिक्वायरमेंट हो तो हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स जो है डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हैं, आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप। सो बने रहिए चैनल पे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, गुड बाय दोस्तों।